अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ आपके पास फिर हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत, और ये शरबत है बहुत फ़ायदेमंद इस गर्मी के रोज़े में, क्योंकि ये इसकी तासीर होती है ठंडी, और ये आपको देता है बहुत ज़्यादा तरोताज़गी का एहसास। तो ये लिया है मैंने पाव इमली, जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था, ठीक है, उसी पानी में उसको डाल दिया है। और ये है पाव आलू बुखारा, दोनों चीज़ों को मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था, और अब मैंने इसको पकने के लिए चढ़ा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे एक पाव चीनी, सही है। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बिल्कुल अंदाज से ज़रा सा नमक, ठीक है, और इसको कम से कम हम पकने देंगे 15 से 20 मिनट तक। ये बहुत ज़्यादा कोई पाए की तरह पकाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ 15 से 20 मिनट इसको अच्छी तरीके से चला के पकाना है। मैंने इमली और आलू बुखारे दोनों में से किसी का भी गुठली जो होती है वो नहीं निकाली, इसको मैंने इसी में रहने दिया है। इसको मैं 15 से 20 मिनट पकने दूँगी, जब ये खोल जाएगा तो उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी कि आखिर ये बीज निकलेंगे किस तरीके से, और आप इसको किस तरीके से मज़ीद आगे इस्तेमाल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आप इसको चढ़ाएं, और 15-20 मिनट बाद जब ये उबलेगा तो फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो मज़ेदार से इमली और आलू बुखारे के शरबत के लिए हो जाएं तैयार, और जल्दी से इंग्रेडिएंट्स मंगवाएं और तैयार करें, ये मिनटों का काम है जी। ये देखें जी, 15-20 मिनट हो गए इसको पकते पकते, ये हो गया है तैयार। अब मैं इसको पलटूंगी इस पतीली में, ठीक है, और इसको छानूंगी, छान के अच्छी तरीके से मलूंगी, और फिर 2-3 दफ़ा इसमें पानी डालूंगी ताकि इसका पल्प अच्छी तरीके से निकल जाए। ये देखें जी, इस तरह मैंने इसको पलट लिया है, ठीक है। इसके बाद जब अच्छी तरह निकल छान जाएगा, फिर आपने इसे मज़ीद पानी डालना है, 1 गिलास 2 गिलास, और फिर इसको इस तरह चम्मच की मदद से मलना है। तो इसका जो है ना पल्प आहिस्ता आहिस्ता नीचे आपकी पतीली में आता जाएगा और ये गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट, थोड़ी मेहनत है ये, लेकिन आपने इसको पानी डाल डाल के अच्छी तरीके से मलना है। ये देखें जी, मैंने इसको पानी डाल डाल के चम्मच से मार मार के, अब आप देखें इसे क्लोज, इसमें सिर्फ बीज ही बीज नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पल्प नहीं रह गया। जितना पल्प था वो हो गया है ख़त्म, नीचे चला गया था, नीचे जाने के बाद वो पानी इसमें पतीली में इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें, ये हो गया है गाढ़ा गाढ़ा, सही है, और अब हम इसको कर सकते हैं स्टोर। अब स्टोर कैसे करना है, आप एक एयर टाइट बॉटल लेंगे, किसी भी 7 अप या कोक वगैरह की पुरानी बोतल लें, उसमें उसको फिल कर लें, ठीक है। अब आपने करना ये कि उसको एयर टाइट करके फ्रिज में रख देना है। जैसे आप रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल करते हैं ना, कि आप थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसे घोलते हैं, और फिर उसके पास को बर्फ़ डाल के पेश करते हैं, उसी तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये आपका इमली आलू बुखारे का शरबत जो बना है, ये आपने पूरा का पूरा नहीं एक साथ डाल देना, क्वांटिटी डालनी है। जैसे हम रूह अफ़ज़ा थोड़ा मिक्स करते हैं और बाकी पानी सादा डालते हैं, इतना इसमें चीनी है ऑलरेडी, नो नीड टू ऐड एनी मोर चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, आप बेशक अलग से थोड़ा सा मीठा डाल लें, लेकिन ये इतना चीनी और इतना मीठा और इतना खटास काफ़ी है। ये ऐड करें, पानी डालें और बर्फ़ डालें, और आपका शरबत बहुत अच्छा सा रमज़ान के लिए तैयार है। इसमें इमली और आलू बुखारा दोनों पके हुए हैं, इसलिए ना गले को ख़राब करेगा और ना ही ये किसी किस्म का इन्फेक्शन करेगा। तो इसे इस्तेमाल ज़रूर करें, मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।